हेलो फ्रेंड्स, आइए आगे बात करते हैं ग्रोथ कर्व मॉडल को या लेटेंट ग्रोथ कर्व को हम एमोस में कैसे करते हैं। तो आपने कभी ध्यान दिया, जब हम प्लगइन पे क्लिक करते हैं यहाँ ग्रोथ कर्व मॉडल आता है। इस पे क्लिक करें तो ये पूछता है कितने टाइम पीरियड हैं आपके, और मिनिमम 3 ये रिकमेंड करता है। अच्छा, यहाँ आपके लिए एक और भी इस पे ओके कर दीजिएगा, ये अपने आप आ जाता है आपके लिए। वैसे कि ये रिकमेंडेड है अगर एक से ज़्यादा, जैसे ये मैथ का हमने लिया, अगर ये मैं डाटा सेट ले रहा हूँ और बारबरा ब्रायन मैम का, उन्होंने मैथ का लिया 3 साल तक, 8th 9th 10th क्लास में, साइंस का लिया और उसके बाद इन्होंने लैंग्वेजेस में भी लिया है परसीव्ड एबिलिटी के बारे में। अगर आपको ऐसा डायग्राम 3 बार बनाना है तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल, जो आपका कैनवस है पीछे, इसको आप लैंडस्केप में कर लीजिए। ये आप कर सकते हैं, व्यू पे क्लिक करें, इसके अंदर आएगा इंटरफेस प्रॉपर्टीज, वहां पे आप ओरिएंटेशन में इसका लैंडस्केप कर सकते हैं। तो अब ये जो टेम्पलेट फाइल आती है इस पे अपने को कुछ चेंज करने होंगे। तो क्या चेंज करने हैं हमें यहाँ पे, सबसे पहले तो ये देखिए इसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है VAR, इसका क्या मीनिंग हुआ। जब आप किसी भी, ये हमारे पैरामीटर को हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, जो एरर टर्म है इसका, मैंने कहा जो इसका VAR होगा, वेरियंस होगा, कैलकुलेट तो हो जाएगा, लेकिन वही इसका होगा वही इसका होगा, तीनों का सेम होना चाहिए। अब ये ऐसा नहीं होता, जो आपका जैसे जैसे स्कोर बढ़ रहा है और जो अनएक्सप्लेन्ड पार्ट है उसका कोई भी वेरिएंस हो सकता है, तो इसको हमें सबसे पहले तो रिमूव करना पड़ेगा। तो एरर टर्म पे डबल क्लिक करें, आपका ये VAR जहां लिखा उसको डिलीट कर दीजिए, ये फर्स्ट थिंग। ये जो कंसेप्ट है रेस्ट्रिक्ट करने का, ये बहुत डिटेल में हम डिस्कस करते हैं मेजरमेंट ऑफ इन वेरियंस के अंदर। रादर मेजरमेंट ऑफ इनवेरियंस तो है ही पूरा का पूरा कंसेप्ट रेस्ट्रिक्शंस का, कि हम बिल्कुल लोअर लेवल से शुरू होके अपर लेवल तक रेस्ट्रिक्ट करते जाते हैं, मैंने एक अलग प्लेलिस्ट में समझाया हुआ है। यहाँ पे आपको सिर्फ VAR को हटाना है। इसी तरह से जो आपके मीन वेरियंस, एस मीन एस वेरियंस है, इनको भी रिमूव कर दीजिए, फ्री हो जाएंगे। थर्ड, ये याद है आपको, यहाँ हम 0 1 2 करते थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि एमओ से ये मान के चल रहा है कि हमने जो अपनी मेजरमेंट ली है वो अभी ली, 6 मंथ के बाद ली और 1 ईयर के बाद ली है। अब ये डिपेंड करता है आपने मेजरमेंट कैसे ली है। अगर आप लेते हैं हर 1 साल बाद, यानी ये जो 1 है, यहाँ पे 1 का इन जनरल मीनिंग लिया जाता है 1 ईयर, तो आप अगर एक एक साल के बाद ले रहे हैं, क्लास 8 क्लास 9 क्लास 10, तो ये 0 1 2 आ जाएगा। 6 मंथ के बाद ले रहे हैं तो 0.51, अगर आप हर 3 मंथ के बाद ले रहे हैं तो 0.25.75 ऐसे आ जाएगा। अगर मंथली ले रहे हैं तो अकॉर्डिंगली आप कंप्यूट कर लीजिएगा। तो ये अभी के लिए मैं मान के चला हूँ 0 1 2, बारबरा मैम ने काम किया था क्लास 8 क्लास 9 क्लास 10, साल में एक ही बार मेजरमेंट लिया। और फोर्थ, जब आप इस पे इंटरसेप्ट पे स्लोप पे डबल क्लिक करेंगे आपको यहाँ एक ओरिएंटेशन भी मिलेगा, तो मोस्ट लाइकली तो ये हॉरिजेंटल होगा। अगर ये आपका ओब्लिक या कुछ और हो तो आप इसका हॉरिजेंटल कर लीजिएगा। ये 4 चेंजेस हमें इसमें करने हैं, और करने के बाद मैंने यहाँ पे मैथ का भी बना लिया और साइंस का बना लिया। एस फॉर साइंस, साइंस का इंटरसेप्ट, साइंस का स्लोप, मैथ का स्लोप, हर एक को हर एक से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, टू बिगिन विद, और हम बाद में इनको हटा देंगे। ये हमारा अब मॉडल तैयार है रन के लिए, मैंने अपनी फाइल अटैच कर दी है, बिल्कुल रूटीन एमओएस वाला काम है। ये हमारे जो डाटा फाइल है उसके अंदर गिवन है परसीव्ड एबिलिटी, एरर टर्म्स हैं, ये 4 चीज़ें हमें कंप्यूट करनी है। और इसमें आप एनालिसिस प्रॉपर्टी में जाके आप कर लीजिएगा स्टैंडर्डाइज एस्टिमेट मॉडिफिकेशन इंडिसेस। सो स्टैंडर्डाइज एस्टिमेट पे भी क्लिक करना चाहिए मुझे, स्क्वेयर मल्टीपल कोरिलेशन कर लीजिए, और वैसे कोई खास रिक्वायर्ड नहीं है, स्टैंडर्डाइज एस्टिमेट पे कर लें, ठीक है, और मॉडिफिकेशन इंडिसेस कर लीजिए। इसके बाद रन करें, रन करने के बाद जैसे हम चेक करते थे, रूटीन चेक करते हैं, CMI हमारा है 4.6, थोड़ा सा हायर साइड है, लेस देन 3 इज ऑलवेज गुड। CFI 0.97 ओके है, TLI 93 ठीक है चलेगा, मोर देन 95 इज प्रेफरेबल, मोर देन 9.9 इज एक्सेप्टेबल, ठीक है, ये NFI वगैरह ठीक है, RMS ये चेक कर लीजिएगा, ठीक लग रहा है। सेकंड, हमने यहाँ पे एस्टिमेट में चेक किया। अब एस्टिमेट्स में अभी तक हम जब भी काम करते थे रूटीन स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग में, तो इन पे तो हम आते ही नहीं थे, मीन कोरिलेशन कोवेरियंस हम तो ऊपर देखते थे, एक तो स्टैंडर्डाइज बीटा देखते थे, उससे AVE CR निकलता था,
एट द मैक्सिमम हम पहला वाला जो आता है वो देख लेते हैं कि इफेक्ट है, सिग्निफिकेंट है या नहीं। अब हम सारा काम करेंगे मीन, कोवेरियंस और कोरिलेशन, इनके ऊपर। यही है, ये इससे सारे आंसर्स हमारे निकल कर आएंगे। तो सबसे पहले कोवेरियंस को देखिए, इसमें कुछ ऐसे हैं जो सिग्निफिकेंट नहीं है। कोवेरियंस, कोवेरियंस का मतलब हुआ मैंने ये जो यहाँ पे सभी कनेक्ट किए थे आपस में, हर एक को हर एक से कनेक्ट किया था। आप पूछ सकते हैं भाई मैथ के इंटरसेप्ट और इसका आपस में रिलेशन क्या मीनिंग है, आएंगे इसी की मीनिंग पे ही डिस्कस करना है। पर शुरू में हमने कहा जितने हैं सारे कनेक्ट कर दीजिए, और अब हम बोल रहे हैं कि देखिए कौन कौन से सिग्निफिकेंट नहीं है। तो जो सिग्निफिकेंट नहीं है, पी वैल्यू ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर, इनको रिमूव करें पहले। तो इनको रिमूव कर दिया, और अब जो बचे हुए हैं उनको दोबारा रन किया। सीमिन 3.6 है, गुड एनफ, 9699 ऑल गुड है, ये तो सारा ठीक है। मॉडिफिकेशन इंडिसेस में कुछ नहीं बता रहा, एरर E12 E22 को कह रहा है, ठीक है। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, E12 E22 क्या मीनिंग है इसका चेक कर लेते हैं। E12 एंड E22, E12 है हमारा परसीव्ड मैथ एबिलिटी और 22 है साइंस एबिलिटी, और वो भी सेकंड ईयर में। तो सेकंड ईयर में बता रहे हैं इनके आपस में कुछ कनेक्शन है, मे बी वर्थ चेकिंग, इंटरेस्टिंग है, पर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, 20 है। ओके, तो हम इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं, पर यही सारी चीजें हम आगे करने वाले हैं। तो फिलहाल हम चलते हैं एस्टिमेट्स में, मीन, कोवेरियंस, कोरिलेशन, वेरियंस। अब इनको एक एक को हमें ध्यान से समझना है यहाँ पे। तो मैं आपको बताने के लिए यहाँ ऐसा बना लेता हूँ कि एक तो मैं बना लेता हूँ साइंस के बारे में, और एक है हमारा मैथ के बारे में। अब आई होप आपको ध्यान है कि हम क्या काम कर रहे हैं। ये है मेरा मैथ के बारे में और ये है मेरा साइंस के बारे में। तो सबसे पहला इसमें देखिए, सबसे पहला आया मैथ का जो इंटरसेप्ट है वो 5.1 है और सिग्निफिकेंट है, ठीक है। ये मैथ है और ये साइंस है, मैथ का 5.1 के करीब है और ये सिग्निफिकेंट है। लगभग परसीव्ड जो लेवल है क्लास 8th में जब शुरू किया, क्योंकि इंटरसेप्ट है ना, इंटरसेप्ट तो यहाँ होगा जब वो क्लास 8 में थे, फिर 9 में गए, फिर 10 में गए, लाइन देखेंगे। तो क्लास 8 में उनका 5.8 था। अपने आप में ये बहुत कुछ मीनिंगफुल नहीं कन्वे कर रहा है। साइंस का देखिए 4.7। साइंस में लोगों ने कहा जब हमने स्टार्ट की थी साइंस क्लास 8th में, तब मैथ से अपने आप को कम मानते थे कि हमारी एबिलिटी मैथ में ज़्यादा अच्छी है, साइंस में कम है। मैथ इंटरसेप्ट, साइंस इंटरसेप्ट, ठीक है, ये इनिशियली स्टार्टिंग पॉइंट है। मैथ का स्लोप नेगेटिव है, मीन है ये ओवरऑल, यानी कुछ का पॉजिटिव रहा होगा, कुछ का नेगेटिव रहा होगा। ओवरऑल जो मीन है वो थोड़ा सा नेगेटिव है, -0.1, बहुत स्टीप नहीं है। लेकिन जैसे जैसे क्लास 8 से क्लास 9 में गए, फिर क्लास 10 में गए, तो जनरली उनका स्टूडेंट्स का ये कहना था ऑन एन एवरेज कि हमारी एबिलिटी मैथ में कोई बढ़ी नहीं है, इनफेक्ट कम हो गई है। जबकि साइंस के अंदर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है, पर पॉजिटिव इंप्रूवमेंट है ऑन एन एवरेज। देखिए कुछ का कम भी हुआ होगा, कुछ का ज्यादा भी हुआ होगा, लेकिन यहां से हमें सिर्फ मीन स्लोप पता चल रहा है। ओवरऑल जब स्लोप क्लास 8, 9, 10 में गए, साइंस में तो एक इंप्रूवमेंट थी, मैथ में स्टूडेंट्स खुद ही रिपोर्ट कर रहे हैं अपने बारे में, ऑन एन एवरेज जो बोल रहे हैं नहीं जी इंप्रूवमेंट नहीं थी। ये हमारी चार चीज हुई इस फर्स्ट चार्ट से। ओके, तो यही मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है। ये मैंने डॉक्टर बारबरा ब्रायन की बुक से ही लिया है। एवरेज स्कोर फॉर द परसीव्ड साइंस एबिलिटी 4.7 जो है, इज स्लाइटली लोअर देन द परसीव्ड मैथ एबिलिटी, वो है 5.11, थोड़ा सा लोअर है इससे। अब ये ठीक है, ये तो आपस में लगता है मैथ साइंस एक डोमेन में है, लैंग्वेजेस का भी चेक करना चाहिए और बाकी भी हम देख सकते हैं। एक चीज का खास ख्याल रखिएगा, बार बार वर्ड आ रहा है परसीव्ड एबिलिटी, यानी हम नहीं बता रहे, हम मार्क्स से नहीं कह रहे कितना है, हमने तो खुद बच्चों से पूछा है कि आप अपने बारे में बताओ, इसीलिए तो लेटेंट है ना, ये लेटेंट ग्रोथ मॉडल, लेटेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। बच्चे अपना बता रहे हैं कि परसेप्शन क्या है। तो उनका कहना है कि स्टार्टिंग पॉइंट में तो हमें लगता था हम ज्यादा बेहतर हैं एज कंपेयर टू साइंस, लेकिन ऑन एन एवरेज, किसी का अच्छा भी रहा होगा, बेकार भी रहा होगा, गिरा भी है, ऑन एन एवरेज स्लाइटली, बहुत हाई नहीं है लेकिन स्लाइट है, पर सिग्निफिकेंट है। ओके, गो टू द नेक्स्ट वन, मैथ का जो इंटरसेप्ट है और मैथ का स्लोप है। अच्छा, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसमें दो चीज यूज कर देते हैं, एक होता है विद इन और एक होता है बिटवीन।
पहले आप एक सब्जेक्ट के बारे में बात करें और फिर दूसरे के बारे में, फिर इनकी आपस में। तो पहले हम विदिन के बात करते हैं, मैथ का देखते हैं। मैथ का क्या देखते हैं, विदिन का मीनिंग क्या हुआ। मैथ का इंटरसेप्ट, मैथ का स्लोप देखिए, मैथ का इंटरसेप्ट माइनस है ये। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे, देखिए ये तो हम बात कर चुके हैं, मैथ का स्लोप नेगेटिव है। इन दोनों का नेगेटिव का क्या मीनिंग निकला, जिनका मैथ का स्कोर जो अपने आप को हाई मानते थे उनकी तो एबिलिटी गिरती गई, ऑन द कॉन्ट्रेरी जिनका स्लोप नीचे था उन्होंने रिपोर्ट किया कि हमारी एबिलिटी बढ़ गई है। देखिए अगर मैथ, एक मिनट के लिए मैं लेता हूं, साइंस का इंटरसेप्ट, साइंस का स्लोप तो यहां दिखाई नहीं दे रहा, इसका क्या मीनिंग हुआ, वो जीरो है। साइंस का इंटरसेप्ट, साइंस का स्लोप जीरो है। जीरो का क्या मतलब हुआ कि इससे कोई लेना देना नहीं था कि आपका स्लोप कहाँ है, या लगभग जितना भी जिसका जैसा इंटरसेप्ट था उसका स्लोप से यहां तो रिलेशन ही नहीं मिला। एक मिनट के लिए मैं पॉजिटिव रिलेशन बताता हूं क्या होगा। पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब है जैसे जैसे इंटरसेप्ट बढ़ा स्लोप बढ़ा। एक बार सोचिए इस बात को, 1% का इंटरसेप्ट यहां है, एक का यहां है, तो इसका जो इंटरसेप्ट ज्यादा है तो इसका स्लोप भी ज्यादा है। कितनी स्पीड से काम कर रहा है, जिसका इंटरसेप्ट कम है उसका स्लोप भी कम है। ये मैंने मल्टी लेवल मॉडलिंग के कंसेप्ट में इसको बोला था फैनिंग आउट, ये आउट हो गया है। ऑन द कॉन्ट्रेरी आप देखिए, जिसका इंटरसेप्ट कम है उसका स्लोप तो तेज है, और जिसका इंटरसेप्ट ज्यादा है उसका स्लोप कम है, तो ये हमारा बन जाएगा फैनिंग इन। तो ये तो जैसे एक हमारा फैन हो गया ना, इस तरह का बन गया ये फैनिंग आउट। ये मिलेगा आपका यहां पे पॉजिटिव कोरिलेशन, और यहां है ये नेगेटिव कोरिलेशन में हमेशा क्रॉस हो जाएगा। मैंने लास्ट वीडियोस में एग्जांपल दिए थे रेस के, रेस का मतलब ये हुआ ये पर्सन स्टार्ट भी आगे से कर रहा है और दौड़ भी तेज रहा है, ये स्टार्ट भी पीछे से कर रहा है और दौड़ भी स्लो रहा है। ऑन द कॉन्ट्रेरी इसको एडवांटेज है, आगे से स्टार्ट किया है पर स्लो है, और ये पीछे वाला काफी तेज है, तो यहां नेगेटिव कोरिलेशन मिलेगा इंटरसेप्ट स्लोप में, इसका मतलब है पॉजिटिव कोरिलेशन। साइंस के केस में हमारा आया नो कोरिलेशन, कोई है ही नहीं कोरिलेशन आपस में। तो क्या कंक्लूजन निकला, मैथ में जब हमने देखा, मैथ में फैनिंग इन फिनोमिना था कि जो अपने आप को हाई एबिलिटी मानते थे ओवर द टाइम इन्होंने रिपोर्ट किया हमारी तो एबिलिटी कम होती जा रही है, पर जिनकी कम थी उन्होंने रिपोर्ट किया कि हमारी एबिलिटी बढ़ती जा रही है, अपने आप को बताया उन्होंने। नेक्स्ट वन, मैथ इंटरसेप्ट साइंस इंटरसेप्ट का पॉजिटिव है, यानी इसमें और इसमें, अब हम बिटवीन की बात कर रहे हैं, इसमें और इन दोनों में अगर हम चेक करें तो हाई मिला। हाई का मतलब ये लगता है कि दोनों एक ही नॉमोलॉजिकल नेटवर्क के हैं, आपस में कनेक्टेड हैं मैथ और साइंस, जो मैथ में अच्छे थे वो साइंस में भी अच्छे थे। इसका मतलब ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री है मैथ और साइंस। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी अगर हम एक थर्ड भी यहां पे करते हैं लैंग्वेजेस का, वहां देखना इंटरेस्टिंग रहता। जनरली ऐसा लगता है जो मैथ में अच्छे नहीं होते वो लैंग्वेजेस में अच्छे होते हैं, एंड वाइस वर्सा। मतलब फिक्स रूल नहीं है कि आप मैथ में अच्छे हैं तो आपकी लैंग्वेजेस खराब होंगी। इन जनरल साइंस बोलती है लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हेमिस्फीयर में ऐसे हम काम करते हैं, तो मैथ और साइंस तो बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इट मेक सेंस कि मैथ का इंटरसेप्ट जिनका हाई था उन्होंने रिपोर्ट किया कि हमारा साइंस का भी हाई है। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि एक जैसे मिलते जुलते हैं होगा। और मैथ का इंटरसेप्ट, मैथ का स्लोप तो विद इन हम डिस्कस कर चुके हैं। मैथ का स्लोप और साइंस का स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब ओवरऑल जो लोगों ने रिपोर्ट किया, जिन्होंने कहा जी हमारा मैथ का इंप्रूव हो रहा था, यानी ये जो रिलेशन था ना इनिशियल स्लोप में, वो आगे भी मिला उनका, कि जैसे जैसे उनकी मैथ की एबिलिटी बढ़ती गई साइंस की भी एबिलिटी उनकी बढ़ती गई ओवरऑल मैक्सिमम का। तो ये हमारे हुए कंक्लूजन इसके बेस पे, इन दो के बेस पे। देखिए यहां सब कुछ हम मीन कोवेरियंस इन पे चल रहे हैं, यहां हम वो स्टैंडर्डाइज बीटा और वो तो हम बात ही नहीं कर रहे, हमारा सारा इंटरेस्ट इनके बारे में है। ये बार बार मैं लिखती है, मैम इन्हें इंटरेस्ट, इसका इन्फ्लुएंस कैसे लिखेंगे। एडोलेसेंट्स एवरेज सेल्फ परसीव्ड मैथ एबिलिटी स्कोर डिक्रीज्ड ओवर द 3 पीरियड टाइम, ये जो इनको लिख रहे हैं 1.62 को, ये तो डिक्रीज कर रहा है, दोज रिलेटेड टू सेल्फ दिस इंक्रीज, ये इसमें इंक्रीज था। नेक्स्ट, विद इन डोमेन, मतलब मैथ का, मैथ से बात कर रहे हैं, ग्रेड 8 स्टूडेंट्स, क्योंकि हम इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं ना, इंटरसेप्ट मतलब स्टार्टिंग विद द ग्रेड 8, हु परसीव्ड देमसेल्फ बीइंग लेस एबल इन मैथ देन देयर पीयर मेड द ग्रेटर ग्रेन, क्योंकि यहां पे नेगेटिव है इनका, इसका मतलब है जिनका स्लोप कम था उनके गेन ज्यादा थे,
उनका स्लोप तेजी से बढ़ा, जिनका इंटरसेप्ट ज्यादा था उनका स्लोप कम रहा होगा तभी नेगेटिव आ गया। बिटवीन के अंदर हम बात कर रहे हैं ग्रोथ इन एडोलेसेंट परसेप्शन ऑफ द मैथ एबिलिटी फ्रॉम ग्रेड 8 टू 10 अंडरगोज अ मॉडरेट इंक्रीज, यानी जब हमने दो की बात की तो यहां पर जैसे जैसे मॉडरेट इंक्रीज था एंड सो डू द परसेप्शन इन द साइंस, जैसे जैसे मैथ का स्लोप बढ़ा साइंस का स्लोप भी बढ़ा ओवरऑल। नेक्स्ट वन, अब इस टेबल की बात करते हैं। जो वेरिएंस की टेबल है, वेरिएंस का मतलब ये है कि ये जो मैथ का स्लोप है और साइंस का स्लोप है, जैसे यहां 5.11 था मीन और इनका था 4.7, इसमें कितनी वेरिएशन थी, क्या सारे 5 से ही शुरू हो रहे थे? तो मैथ के इंटरसेप्ट में बहुत हाई वेरिएशन है और सिग्निफिकेंट है, इसका मतलब है मैथ के एक्चुअल ऐसे रहे होंगे स्टूडेंट्स, मतलब यहां से किसी का अप गया किसी का डाउन भी गया सारे, ये जो वेरिएशन है ये बहुत हाई है, यानी सबका स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं था। अब ये किसी भी टीचर के लिए ये बहुत थ्रेटनिंग होता है। इट्स ऑलवेज गुड कि अगर पूरी क्लास होमोजीनियस हो तो आप एक स्पीड पे पढ़ा सकते हैं। अब चैलेंज ये आता है कि आपकी क्लास में इतना वेरिएशन है आप किस स्पीड पे पढ़ाएंगे, ये हमेशा एक चैलेंज होता है। इसी तरह से मैथ का जो स्लोप है उसमें भी वेरिएशन है, यानी सारे एक जैसे नहीं चले, सारे एक जैसे नहीं चले, सबकी अपनी लर्निंग स्पीड, कुछ बहुत जल्दी सीख रहे थे कुछ बहुत स्लो सीख रहे थे। साइंस के अंदर भी बिल्कुल है और इसके अंदर भी, सबके अंदर ही वेरिएशन है, इनके स्लोप में भी वेरिएशन है बहुत हाई, इनके जो आगे जैसे भी चल रहे थे इनमें भी काफी, सारे ऐसे नहीं थे तो पैरेलल होगी, किसी का ऐसा चल रहा था ऐसा चल रहा था, ये वेरिएशन भी काफी हाई है। अगर ये वेरिएशन हाई हो तो इसका मीनिंग होता है आपको फर्दर एनालिसिस पे जाना चाहिए, आपको चेक करना चाहिए और क्या चीज है जो इनको इफेक्ट कर रही है, और प्रिडिक्टर्स भी अब हमें ऐड करने पड़ेंगे, यानी आपकी जो एबिलिटीज हैं मैथ की साइंस की किस पे डिपेंड कर रही है उसकी हम करेंगे आगे बात। इंटरप्रिटेशन देखिए, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस प्रोवाइड पावरफुल सपोर्ट फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएबिलिटी रिलेटेड टू ग्रोथ, दैट इज द इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्रिडिक्टर्स इनटू द मॉडल कैन सर्व टू एक्सप्लेन द वेरिएबिलिटी, ये जो वेरिएबिलिटी है क्यों आ रही है, आगे आपके और कुछ हमें प्रिडिक्टर्स लेने पड़ेंगे, इन प्रिडिक्टर्स की हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। लेट्स स्टॉप हियर।